देख रहे हैं 24 न्यूज़ में अभिषेक। आज हम एक ऐसे पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो कि मैं यूपी और बिहार के बॉर्डर पे पहुंच चुका हूं, और मैं आपको कैमरामैन के माध्यम से दिखाऊंगा। थोड़ा कैमरामैन जी अपना आ जाइए सामने, और ये देख सकते हैं आप, ये बॉर्डर है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। ये देख सकते हैं, इस पे लिखा है चित्रसेन बनकटा उत्तर प्रदेश बॉर्डर 0 किलोमीटर, और यहाँ मैं यूपी में खड़ा हो गया। मैं आपको बता दूं कि शराब बंद है बिहार में, और यहाँ से शराब शुरू हो जाता है, और तमाम ऐसे दिन आए दिन देखा जाता है कि बिहार में शराब बंद होने के बावजूद शराब वहाँ पे 100% उपलब्ध है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आम तौर पे लोग फ्रूटी के नाम से भी बिहार में कहते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये एक रास्ता है जो ये मैरवा स्टेशन से होते हुए यूपी की तरफ जाती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन का सब स्टेशन है, और ये बार यहाँ पे कोई भी मुस्तैदी से अपना काम करते हैं, किसी भी प्रकार के अपराधी या किसी प्रकार के शराब सेवन वाले व्यक्ति को यहाँ से नहीं जाने दिया जाता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि यही बिहार है और ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पूरा फुल दारू और शराब मिलता है, और ये बिहार हो गया जहाँ शराब बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करों का घटना दिन प्रतिदिन भी होता जाता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पे पुलिसकर्मी, मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा दिखाया जाए, यहीं पे ये लोग अपना मुस्तैदी से काम करते हैं, और आपको बता दूं इसके काम करने के बावजूद भी शराब बिहार में कैसे चला जाता है, इस पर आज भी सस्पेंस बरकरार है। और मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी आ रही है और यहाँ पे पुलिसकर्मी खड़े हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि थोड़ा दिखाया जाए, और आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार के वाहन को यहाँ छोड़ा नहीं जाता है, एक एक करके बारीकी से प्रशासन द्वारा इसको चेक किया जाता है। उसके बावजूद बिहार में शराब कैसे चला जाता है, ये प्रश्न अभी भी बरकरार है, और ये दिमाग में हर किसी की बात चलती है कि आखिरकार बिहार में जब शराब बंद है तो शराब क्यों मिलती है। अब मैं आपको एक बार और दिखा देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का ये बॉर्डर है। आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर मैं उत्तर प्रदेश में आ चुका हूँ, और इधर बिहार है जो मैरवा स्टेशन सामने है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार एक ऐसी राज्य है जिसमें शराब मुक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन शराब और तस्करों का तांडव बढ़ता जाता है। जी, कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं अभिषेक, और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़।